हेयर ऑयल तो आपने अपने बालों में काफ़ी बार लगाया होगा, लेकिन उसी हेयर ऑयल में अगर कुछ चीज़ों को और ऐड कर दिया जाए तो उस ऑयल की पावर यानी कि शक्ति दोगुनी हो जाती है। और अगर ऑयल की पावर दोगुनी हो जाती है तो ऑयल भी अपना दोगुना काम करता है, यानी कि बालों की बढ़ने की जो स्पीड होती है नॉर्मल, उससे दोगुनी तेजी से बाल बढ़ने लगते हैं, यानी कि बालों की सारी समस्याओं को ये ऑयल दोगुनी तेजी से रिकवर करने लगता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से पिंक सी पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमको यहाँ पे लेना होगा कोई भी हेयर ऑयल जो आप अपने बालों में लगाते हो, उसी हेयर ऑयल को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये कोकोनट ऑयल। इस ऑयल की 2 चम्मच मैं ले लूँगी, या फिर आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इस ऑयल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 चम्मच आपको ऑयल ले लेना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अगर आप बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑयल तो बालों में ज़रूर इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑयल किसी वरदान से कम नहीं है हमारे बालों के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, यानी कि 2 चम्मच हेयर ऑयल के अंदर आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को ऐड करना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ मैं लेने जा रही हूँ वो है अनियन। आपको एक मीडियम साइज की ले लेनी होगी प्याज, उसको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लीजिए। इसके बाद में एक ब्लेंडर में डाल के मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। आप चाहें तो कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अनियन का जूस चाहिए होगा। अनियन के जूस के फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे, बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, बालों की लेंथ को भी ये तेज़ी से बढ़ाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत सारा सल्फर और ये हमारे बालों के लिए होता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। तो इसके अंदर मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया था, जिससे कि ये अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बन के तैयार हो। इसके बाद में इसे अच्छे से पीस लिया है, तो पीस चुका है हमारा अनियन। इसके बाद में एक स्टेनर की मदद से हम इसका चम्मच से दबा दबा के जूस निकाल लेंगे। तो जूस को हमने निकाल लिया है, अब इस अनियन जूस को हम ऑयल के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मीडियम साइज की अनियन में आपको लगभग 3 से 4 चम्मच जूस आराम से मिल जाता है। अगर इसी तरह से आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं वो है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। रोज वाटर ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है, हल्के रखता है, सिल्की बनाता है। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ये रोज वाटर भी ऐड कर दिया है। और दूसरा जो हमने इसके अंदर अनियन का जूस ऐड किया है, कुछ लोगों को अनियन के जूस की स्मेल अच्छी नहीं लगती हो, तो रोज वाटर को ऐड करने की वजह से अनियन की स्मेल भी दब जाती है और ऑयल से खुशबू भी अच्छी आने लगती है। इसके बाद में हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस ऑयल को बनाने के बाद में आपको इसे 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि इसके अंदर अनियन है और अनियन को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि अनियन का जूस जल्दी ख़राब होने लगता है। बाल धोने के 1 घंटे पहले इस ऑयल को लगाएं, या फिर ओवरनाइट भी इसको लगा के छोड़ सकते हैं और उसके बाद में शैम्पू कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और पिंक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।